ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। इसमें देखना एरो डायग्राम से, बाई मैपिंग में एरो डायग्राम से देखा जाता है कि इस तरह से अगर फंक्शन है 1-1 स्टार्ट किया हूं तो 1-1 फंक्शन हो जाएगा, है ना। सारे का क्या होना चाहिए? इमेज मस्ट बी डिफरेंट फॉर एवरी इनपुट। ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं ना? इमेज मीन्स क्या? आउटपुट बेसिकली ये है, क्लियर है? आउटपुट क्या होना चाहिए? सारे के लिए डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर इस तरह से एरो में ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो उसको बता सकते हो यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं। सपोज इस तरह से है, हम एक फंक्शन डिफाइंड कर दे रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसको डिफाइन करने के लिए इस तरह से कर लो एफ एन टू एन, है ना, इस तरह से। जहां पे, या इसको और भी क्लियर कर देता हूं तो मेरे ख्याल से ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे लिख देते हैं 1 2 3 और यहां पे लिख देते हैं 1 4 9 16 सपोज, है ना। इसमें और भी एग्जांपल बताऊंगा। एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बताओ ये 1-1 चेक करेंगे तो इस तरह से हम लोग प्लॉट करेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये इनपुट हो जाता है ना जी आउटपुट में, ये 1 4 9 16। इसमें और भी क्लियर करने के लिए एक मिनट और भी, क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग लगेगा तुमको हमेशा। एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ ताकि उसमें लगे कि रैंडम वैल्यू आना चाहिए, है ना। सो एफ एक्स इज इक्वल टू इस तरह से ले लो, आप यहां ध्यान दो, एफ एक्स जो डिफाइंड किया गया है सच डेट यहाँ पे 1 1/2 1/3 राइट, इस तरह से रैंडम दे रहे हैं 2 राइट, आउटपुट में 0 1 1/4 1/9, है ना, देन 4 9, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² राइट। अब इसमें चेक करना है तो इसको एरो डायग्राम बनाएंगे, मैपिंग से चेक करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या रख लिए, 1/3 1/2, ये क्या हो जाएगा 1 2, है ना। इसमें रैंडम ऑर्डर में भी बता दूंगा बाद में, शायद ये भी इंक्रीजिंग में ही आ जाएगा, बट ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है। ये 0 1 1/4 कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्डर में ही रखेंगे, 1/9, है ना, 4 9, समझ में आया? हेलो, सो 1/3 रखेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1/9 आएगा। 1/2 रखेंगे तो 1/4 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, है ना, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो ऐसा कोई ये नहीं ना है कि ये देखो सारे का यहाँ पे मैपिंग से चेक करेंगे ना तो सारे का आउटपुट डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ में आ रहा है ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ देख रहे हैं कि क्या है, क्लियर है? यस हेलो, यस, कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा मैपिंग में, फाइनाइट नंबर ऑफ जब एलिमेंट्स होगा तो ये देखना कि बाय मैपिंग से हम लोग इस तरह से अगर कोई फंक्शन डिफाइन है एफ एन टू आई एफ एन टू एन एफ आई टू एन, है ना। देखो इसमें क्या होगा, एफ होल नंबर टू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। अगर इस तरह से फंक्शन आएंगे तो हमेशा क्या करना है कि मैपिंग से ही चेक करना है, मैपिंग बना के, एरो डायग्राम बना करके, करेक्ट ना, समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे देखो आप एक दे दिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x फंक्शन दे दिए, और ये डिफाइंड है एफ एन टू
एन, राइट, एन टू एन. सो एन मीन्स क्या हो गया यहाँ पे बताओ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरह से. तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें होगा, बट एरो डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं. ये वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, सेवन हो गया, एंड सो ऑन. यहाँ भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड इस तरह से. तो देखो वन का देखेंगे, वन के क्रॉसपॉन्डिंग वन मिलेगा, टू के क्रॉसपॉन्डिंग फोर मिलेगा, थ्री के क्रॉसपॉन्डिंग नाइन मिलेगा, एंड इस तरह से मिलते चला जाएगा. सारा का आउटपुट क्या है, डिफरेंट है. तो ये क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा. नहीं समझ में आया, ये सुनो, कभी भी रिपीट करेगा नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं. सॉरी, इसके अकॉर्डिंग देखो, नहीं एक मिनट एक मिनट, इसके अकॉर्डिंग देखो, एक मिनट, इसके अकॉर्डिंग आउटपुट हम लोग देखेंगे. सॉरी, यहाँ पे डिफाइन तो फंक्शन ये किया हूं ना, मिस्टेक हो गया. चलो इसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे और भी चेंज करोगे तो माइनस टू दे दो. ओके, अब इस फंक्शन के बारे में देखना है, ये प्लस ही रहने दो, माइनस दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. चलो बताओ, वन के क्रॉसपॉन्डिंग क्या आउटपुट देगा, टू थ्री. वन के क्रॉसपॉन्डिंग थ्री देगा, ये सुनो, थ्री देगा ना जी. यस सर, सिर्फ चेक करना है कि क्या दे रहा है. जो ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड ऐसे चलता चला जाएगा. तो वन के क्रॉसपॉन्डिंग थ्री देगा, टू के क्रॉसपॉन्डिंग एट, एट देगा, थ्री के क्रॉसपॉन्डिंग, इस तरह से इंक्रीज करते चला जाएगा. इट मीन्स ये क्या है, वन वन फंक्शन है. कभी भी रिपीट करेगा नहीं ना, ये सुनो. ओके, नो सर, आई बात समझे. तो इस तरह से मैपिंग से चेक करना, जब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर हो, इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड हो. इसमें और भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, इफ इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड हो. तो हमेशा मैपिंग बना करके देखना, और ज्यादा नहीं, फाइव और टेन इसके अप्रोक्स देखोगे, इनपुट रख करके आउटपुट क्या आ रहा है. अगर रिपीट एक वीक अगर सेम आउटपुट दे दिया, दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम आउटपुट दे दिया, तो वहां मेनी वन हो जाएगा, अदरवाइज वन वन फंक्शन होगा. आई बात समझ में, है ना. तो मैपिंग से इससे देखते हैं. सेकंड है जो हम लोग फंक्शन देखेंगे, वो क्या देखेंगे, ग्राफ से देखते हैं. यहाँ पे पहले डिफाइंड कर देता हूँ वन वन फंक्शन बाय मैपिंग. इवन यहाँ पे मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन में क्या बोलेंगे डिफिनेशन, अगर यहाँ पे लिखेंगे तो सिंपली द फंक्शन which are not one one. Clear हो गया ना, इसमें देखो एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं है. जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन. ऐसा एग्जिस्ट करता है कि वन वन भी ना हो और मेनी वन भी ना हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, इसलिए तो लिखा हूं ना यहाँ पे. जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो क्या होगा, मेनी वन होगा. जो फंक्शन मेनी वन होगा वो फंक्शन वन वन नहीं होगा. आई बात समझ में? Yes, sir. तो मेनी वन का एग्जांपल देखो दिखा रहा हूं. मेनी वन फंक्शन में क्या होगा कि एरो डायग्राम से अगर देखेंगे, ये ए बी सी डी रहा है ना, यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव रहा. अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये आउटपुट दिया, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये दे दिया, है ना. सो यहाँ पे दे रहा है ए का आउटपुट भी क्या है, वन है, बी का आउटपुट भी क्या है, वन है, सेम आउटपुट, बाकी का तो डिफरेंट है. तो इसमें कंडीशन में क्या लिखेंगे, सेम आउटपुट फॉर वन और मोर देन टू इनपुट्स. नहीं समझ में आया, क्लियर है ना. हेलो, यस सर. ओके, अब एग्जांपल देखो बता रहा हूँ. एक फंक्शन डिफाइंड है ना, इंटीजर टू नेचुरल नंबर, और एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस
प्लस टू एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो हेलो अब यहाँ पे देखो, या सिंपली एक्स स्क्वायर भी ले लो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो इस तरह से फंक्शन डिफाइंड कर लिए हैं, तो इसको एरो डायग्राम, जब भी इस तरह से रहेगा तो एरो डायग्राम बनाना। बताता हूँ किसमें तुमको करना है डिफरेंशिएट, किसमें करना है, कब ग्राफ बनाना है। ग्राफ कब बनाओगे? जब फंक्शन का ग्राफ इस तरह से डिफाइंड नहीं हो और ग्राफ इजिली नॉन ग्राफ हो, तब ग्राफ से हम लोग देख लेंगे। तो इंटीजर होने का मतलब कि यहाँ पे -3, -2 इधर इस तरह से आते चला जाएगा, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आ रही बात समझ में? इस तरह से बनेगा। यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड इस तरह से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो -3 के कोरस्पोंडिंग क्या देगा आउटपुट? 9 देगा। -2 के कोरस्पोंडिंग क्या देगा? 4 देगा। -1 के कोरस्पोंडिंग 1 देगा। तो अभी तक तो रिपीट नहीं किया। 0 के कोरस्पोंडिंग ये होल नंबर कर दो, नहीं नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा, होल नंबर कर दो। सो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 के कोरस्पोंडिंग क्या होगा? 0 देगा, है ना। 1 के कोरस्पोंडिंग 1 दे दिया, मींस ये क्या हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। एक भी जहां पे मिल गया तो वहां पे मेनी वन बोल देंगे, ठीक है। देखो ना, -1 का भी आउटपुट क्या दे दिया? 1 दे दिया। और 1 का भी आउटपुट क्या दे दिया? 1 दे दिया। क्लियर है? यस सर। तो इससे देखने आ जाएगा हमेशा, अगर इस तरह से इंटीजर से होल नंबर, होल नंबर से इंटीजर, नेचुरल नंबर से इंटीजर, ये सब सारे वाले में क्या किया जाता है? मैपिंग से किया जाता है। तुमको मैपिंग देखना है, मींस इस तरह से नंबर्स लिख लेना है बॉक्स बना करके एरो डायग्राम वाले में, है ना। उसके बाद देखेंगे कि उसके कोरस्पोंडिंग क्या आउटपुट दे रहा है। क्लियर है ना? यस ओके। अब देखो उसके बाद, सॉरी, इसके बाद मेनी वन एंड वन वन फंक्शन का डेफिनेशन बता दिया हूं, है ना। उसके बाद देखो चेकिंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, है ना, ग्राफ से। अब ये ध्यान रखना, इसमें हम लोग वन वन डिफाइन करते हैं, वन वन फंक्शन। If a line, कोई भी लाइन है ना, if a line parallel to x-axis intersect the curve, ये लिखवा चुका हूं ना, at a point only one point, then function will be 1-1, otherwise, बोलो आवाज जा रही है? many one function, कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे एग्जाम्पल में कोई भी लाइन, ठीक है, अगर ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ग्राफ इस तरह से जा रहा है, कोई भी लाइन प्लॉट करो, है ना, क्या कर रहा है? एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया? ये y इज इक्वल टू एफ एक्स जो हो गया वो 1-1 फंक्शन है। जैसे एग्जांपल, अगर y इज इक्वल टू x cube का ग्राफ पता है, है ना, y equal to x cube का ग्राफ इस तरह से जाता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ओके, और एग्जांपल देखेंगे, y is equal to sin x का वैल्यू ये -π/2 से π/2 के बीच में देख रहे हैं, तो इसके केस में भी देखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। -π/2 से π/2 मीन sin x का ग्राफ इस तरह से जाता है ना जी,
यस और नो। तो हम लोग देख रहे हैं किसके बीच में, ये हो गया माइनस पाई बाई टू और ये हो गया पाई बाई टू, यस और नो? यस सर। तो ये वाले पार्ट को हम लोग हटा देंगे, ये वाले पार्ट हम लोग को यूजफुल नहीं है। तो फाइनली जो आ जाएगा इसका ग्राफ वो आएगा आएगा ना, आप देखो कोई भी लाइन प्लॉट करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, कोई भी लाइन, तो ये क्या हो जाएगा वन वन फंक्शन इस गिवन इंटरवल के लिए। क्या होगा फॉर गिवन इंटरवल, ये सुनो सर थोड़ा सा ऊपर करें तो लिखना थोड़ा सा, हाँ यहाँ यस सर हो गया। ओके चलो अब इसके बाद अगर y इज इक्वल टू सिंपली दे दिया गया साइन x, बोले ना कि अगर एक पॉइंट एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा मिनी वन फंक्शन, सिर्फ कुछ नहीं दिया हुआ है, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, ये सुनो। तो कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन बनाया है, मिनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा मिनी वन फंक्शन, ये सुनो। यस सर। यस सर। इंटरसेक्टिंग मोर देन, देखो जैसे क्या होगा कि एक इनपुट हो गया x1 के लिए सेम आउटपुट दे रहा है, x2 के लिए सेम आउटपुट दे रहा है, x3 के लिए सेम आउटपुट दे रहा है, x4 के लिए सेम आउटपुट दे रहा है, इसका मीनिंग यही हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर दो इनपुट या दो से ज्यादा इनपुट के लिए सेम आउटपुट दे तो फंक्शन क्या हो जाता है मिनी वन हो जाता है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाएंगे, वेल नोन ग्राफ है, तो इस तरह से कोई भी लाइन एक प्लॉट किए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो क्या हो गया ये जी मिनी वन। अगर इसी में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू दे दिया गया और यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री बाई टू लिख दे या इवन टू लिख दे, है ना, इस तरह से कंडीशन दे दे एक्स पे, तो देखो इसका ग्राफ बनाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बताए हैं किस तरह से प्लॉट किया जाता है, जो इसका रूट वन और टू हो जाएगा अगर जीरो करोगे, तो ये वाला जो लाइन है वो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, माइनस बी बाई टू ए होता है ना जी, ये जो वर्टेक्स होता है माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए होता है, है ना, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए करोगे तो क्या आएगा जी थ्री बाई टू आएगा, ये सुनो। यस सर। ओके, तो गिवन इंटरवल के लिए ग्राफ अगर बनाओगे तो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ये वाले हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरह से चला जाएगा, है ना, तो ये वन वन फंक्शन, कोई भी लाइन प्लॉट करो वन वन होगा ना, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो गिवन इंटरवल के लिए ये गिवन इंटरवल के लिए वन वन फंक्शन, ये सुनो। इवन इसमें किया जाए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और x ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव भी बोल दिया जाए, तो इट मीन्स फाइव कहाँ पे हो जाएगा, कुछ इधर से मिलेगा, इस तरह से जाएगा, आई बात समझ में कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा लेकिन फाइव तो x, ये आ गया x इज इक्वल टू फाइव, तो यहाँ के लिए क्या है वन वन फंक्शन होगा। तो ये सब भी समझना, वेरिएशन थोड़ा बता दे रहा हूँ, देखो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना, तो वन वन फंक्शन करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं ना, हेलो। तो ये ग्राफिकल मेथड से हम लोग वेल नोन ग्राफ के लिए ऐसे देखें, जैसे y इज इक्वल टू टैन एक्स ही देखें, कुछ इंटरवल नहीं दिया हुआ है, टैन एक्स का जो ग्राफ होता है वो बताया हूँ, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, फिर थ्री पाई बाई टू से पाई बाई टू एंड इस तरह से चला जाता है, ये सुनो, ये जीरो पे पाई पे टू पाई पे ऐसे होता है ना जी, यस सर। अब कोई भी लाइन ऐसे प्लॉट करोगे तो देखो इंटरसेक्ट कर रहा है बहुत सारे पॉइंट पे, है ना।
तो क्या हो जाएगा ये मेनी वन फंक्शन, सफिशिएंट है ना इतने एग्जांपल से बताना, समझ में आ गया ना? Yes, अब जो जो इम्पोर्टेंट है लास्ट वाले, क्योंकि वही ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होगा. ओके सो ये वाले कैलकुलस मेथड होता है, जिसमें बेसिकली कैलकुलस तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इसमें यूजिंग डेरिवेटिव अब देखो यूजिंग डेरिवेटिव क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? तो स्टेप वन क्या है, dy by dx फाइंड करेंगे, मींस एफ डैश एक्स. ओके देन क्या करेंगे कि अगर इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो फॉर गिवेन सेट ऑफ एक्स, फॉर गिवेन then function will be 1 1. Okay, if f dash x greater than 0 and also f dash x less than 0 means both for given set of x. Then, क्या हो जाएगा मेनी वन फंक्शन. एग्जाम्पल समझा देता हूँ, आई बात समझ में? इतना समझ में आया ना? अब वो चेक कैसे करेंगे कि पॉजिटिव है हमेशा कि नेगेटिव है? तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव देखने के लिए रफ में इस तरह से कर सकते हो कि वो कभी जीरो होगा ही नहीं. अगर एफ डैश एक्स फाइंड किए और उसमें पुट करके देख रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? अदरवाइज नहीं भी समझ में आएगा तो क्या करना, इस तरह से करना, y is equal to fx दिया हुआ रहेगा है ना, dy by dx फाइंड करोगे, so f dash x, अब क्या करोगे f dash x is equal to zero कर लेना, स्टेप रट लो, तो जीरो कर लोगे तो सपोज अल्फा बीटा आ गया रूट, इसको क्या कर लेना, मार्क कर लेना, ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया. अब इसके लिए क्या करोगे, इधर से कोई भी रीजन के लिए कितने रीजन होंगे, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, ये रीजन समझ रहे हो ना, थ्री रीजन हो गया. यस सर. सो अब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, चेकिंग साइन ऑफ एफ डैश एक्स. सर वैल्यू किस में पुट करेंगे, ओरिजिनल में कि डेरिवेटिव में? डेरिवेटिव में एफ डैश एक्स में, चेकिंग साइन ऑफ एफ डैश एक्स, क्लियर है ना? मींस लेट यहाँ पे x इज इक्वल टू k लेट, कोई भी वैल्यू रहा हम लोग चूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? देन f डैश k पुट करके देखेंगे, सपोज ये पॉजिटिव आ गया तो ध्यान देना. हेलो. यस सर. फर्स्ट में अगर ये पॉजिटिव आ गया तो ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव उसके अकॉर्डिंग देखना कि अगर सिंगल टाइम है तो, अगर इवन टाइम्स होगा तो वो अलग केस होगा, वो पहले बता चुका हूँ कि सेम साइन फॉलो करता है. यस सर, वेवी कर्व वाला. हाँ, तो अगर ये पॉजिटिव आ गया इट मींस ये किसका देख रहे हैं, एफ डैश एक्स का, तो पॉजिटिव आ रहा है तो इसके लिए फंक्शन इसमें क्या होगा, फंक्शन विल इंक्रीजेज है ना, इट मींस ये क्या है, एफ डैश एक्स का वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो आएगा इस रीजन के लिए, यहाँ पे फंक्शन विल डिक्रीज. नहीं समझ में आया? यस सर आया. यस सर. सो इसके लिए क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आएगा, एग्जांपल बता दूंगा, लेस देन जीरो, इसके लिए फिर से क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो. अगर उसी तरह से सेकंड केस कि एफ डैश के पुट किए और ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ऐसे हो जाएगा, बस वही अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बाकी लिख लो
किसके लिए डिक्रीज करेगा, इसके लिए इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा और इसके लिए भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आया ना? जैसे देखो एग्जांपल से बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। समटाइम्स क्या होगा, ये कंडीशन होता है ना, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है तो बोला जाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ जाओगे ना इतना से, वो बाद में बताऊंगा, अभी डिस्कस नहीं। समटाइम्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी होता है, वो ध्यान रखना, वो इक्वल टू जीरो वाला नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, समटाइम्स होता है, वो ध्यान रखना, ये नोट करके लिखना। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देना वो बता दूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, लेकिन ये ध्यान रखना कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो इसमें जो आएगा तो सबको ये अल्फा और ये बीटा आ गया, दो वैल्यू आ गया है ना, जहां पे देख रहे हो इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू जीरो आएगा उसके कोरस्पोंडिंग एफ ऑफ अल्फा नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बीटा आना चाहिए, अगर दो वैल्यू के लिए इक्वल टू जीरो आ रहा है तब। डिफरेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट ऑर्डर। अच्छा इसको हटा दो, अभी वो बाद की बात है, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा है ना, तो इसको हम लोग डिस्कस अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं। अभी एग्जाम्पल ये समझ में आ गया ना, ये जो बताया हूँ इतना जो, यस सर, डेरिवेटिव से। तो देखो इसको आप समझना चाहते हैं एग्जाम्पल से, क्योंकि हमेशा क्या होता है थ्योरी से क्लियर चीजें नहीं होता है जब तक कि एग्जाम्पल नहीं बनाओ, क्योंकि प्रॉब्लम आते हो तो प्रॉब्लम पे आने पे क्या होता है पूरा सिनेरियो चेंज कर जाता है। सपोज y इज इक्वल टू, यहाँ एग्जाम्पल लिए, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x सो दैट फंक्शन एक में इंक्रीजेज, मीन्स एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, सेकेंड डिक्रीजेज, एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो। ओके समझ में आ गया ना? अब देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन क्लियर है ना, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हाँ तो क्वेश्चन पहले क्लियर होना चाहिए तभी तो सॉल्यूशन बताओगे, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन तो कुछ नहीं बुझाएगा कि क्या कर रहे हैं। अब देखो क्या बताए थे पहला स्टेप कि dy by dx फाइंड करना है, yes or no? So क्या आएगा, क्या आ जाएगा, 2x minus 3, 2x minus 3, good। अब क्या बोले थे कि dy by dx को स्टेप 2 में make equal to 0, it means 2x minus 3 is equal to 0, यहां तक समझ में आया, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2 आ गया, सबको समझ में आया यहाँ तक, ये सुनो, ओके, सो x इज इक्वल टू 3/2 आ गया। अब देखो क्या बोले थे कि नंबर लाइन पे इसको मार्क कर लेना, यहाँ एक ही पॉइंट आया, ऐसा नहीं अल्फा बीटा गामा डेल्टा बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, वहां समझ रहे हो ना, बहुत सारा पॉइंट्स हो सकता है, ये जो पुट किए हैं ऐसा नहीं कि दो ही पॉइंट ऑलवेज आएगा, अल्फा बीटा यहाँ पे एग्जांपल में ले लिया हूँ, कैन बी एनी वैल्यू है ना, यहाँ पे इट कैन टेक एनी नंबर ऑफ वैल्यू लाइक अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन, ठीक है, वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चंस, ठीक है, yes. तो 3/2 आ गया, अब कोई भी रैंडम वैल्यू यहाँ से लिए क्या ले सकते हैं, ये इंफिनिटी है, ये माइनस इंफिनिटी, हाँ एक्स इज इक्वल टू जीरो भी ले सकते हैं, वन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एफ डैश वन इज इक्वल टू क्या आया, निगेटिव आया ना, यस सो ये निगेटिव आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मीन्स एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो निगेटिव है, लेस देन जीरो, फॉर x belongs to minus infinity से कहां तक जे
थ्री बाई टू सर। ये सुनो, एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो फॉर थ्री बाई टू से, यहाँ क्लोज इंटरवल भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक में ओपन, एक में छोड़ रहे हो तो एक में लगा दो, दिक्कत नहीं ना है। तो इसीलिए देखो थ्री बाई टू पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो पॉजिटिव भी लगा लो। समझ में आया ना, इक्वल टू जीरो आ जाएगा ना एफ डैश, क्योंकि थ्री बाई टू पे क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है। ओपन इंटरवल रखोगे तो ओपन इंटरवल भी में ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर इक्वल लगा रहे हो तो यहाँ क्लोज इंटरवल लगा दो। मीन्स डिफरेंट वैल्यू आना चाहिए, क्रिटिकल पे लगा सकते हैं, है ना। आई बात समझ में? तो अब लिख सकते हो कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग क्या लिखोगे? डिक्रीजिंग फॉर माइनस इनफिनिटी थ्री बाई टू, कोई दिक्कत नहीं ना। एंड इंक्रीजिंग फॉर थ्री बाई टू टू इनफिनिटी, थ्री बाई टू टू इनफिनिटी, राइट, कोई दिक्कत। अब देखो, अब ये बोल सकते हो कि फंक्शन अगर एक्स का इंटरवल इस तरह से डिफाइंड कर दिया गया, ये तो यहां तक सीख गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो, हाँ, तो ये ध्यान रखना कि फंक्शन का रफली भी आइडिया अगर देखना है इसमें, तो ध्यान दो, ये एक्स इजिकल टू क्या है, थ्री बाई टू है, इट मीन्स फंक्शन ऐसे डिक्रीज कर रहा होगा और फिर इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया होगा, यही होगा ना। वो डिपेंड करेगा कि आउटपुट उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या दे रहा है, लेकिन ये रफ आइडिया तो बता सकते हैं कि शुरू में डिक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे क्या है, देखना बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट क्या होगा उससे मतलब नहीं है। ये तो बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्लोप होगा वो निगेटिव होगा, सब हर एक पॉइंट पे। स्लोप क्या होता है, टैन थीटा ना, टैन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो देखो, अगर इस तरह से बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो, अगर थीटा का वैल्यू 92 क्या हो जाएगा, 180 के बीच में, तो टैन थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हेलो, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? हाँ, इसी के लिए हम लोग देख रहे हैं कि नेगेटिव डिक्रीज कर रहा है। मीन्स डिक्रीजिंग का मीनिंग क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग इनपुट को, यहाँ पे देखो इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं, इनपुट हमेशा इंक्रीजिंग इनपुट, तो ध्यान देना इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखोगे, इसके लिए आउटपुट क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, इसीलिए डिक्रीजिंग बोलते हैं। लेकिन इसके बाद देखोगे तो इसका आउटपुट जो है, फॉर दिस रीजन के लिए आउटपुट इंक्रीजिंग, ग्राफ से ही समझ लो क्या। तो अगर फंक्शन इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें? हेलो, नो सर, इधर भी इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना कि अगर एफ एक्स इस तरह से डिफाइंड किया रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, और यहाँ दिया हुआ रहता टू से इन्फिनिटी के लिए, है ना, इसके लिए चेक करना है। तो हम लोग देखते हैं एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, ओके सॉरी, क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री, यस और नो? यस। अब टू एक्स माइनस थ्री, अब देख लेंगे इसके लिए कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू, सो थ्री बाई टू, और ये दिया हुआ है टू, इट मीन्स इधर तो पॉजिटिव ही है, सो लिख लेंगे फंक्शन इज वन वन, फंक्शन इज वन वन, क्यों होगा ना, क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू 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 इन्फिनिटी, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो दोस्त, हेलो, ओके, आप ध्यान देना। एक और एग्जांपल, जैसे सिंपली दे दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, अब इसको चेक करना है फंक्शन वन वन और ऑन टू, सॉरी वन वन और मिनी वन, बताओ क्या होगा, ये तो
फॉर ऑल एक्स है सर. हाँ तो ये तो मेनी वन होगा. हाँ एक तो क्या हो जाएगा मेनी वन. समझ में आया ना क्यों f' x ये ग्रेटर देन जीरो फॉर किसके लिए माइनस इनफिनिटी से 3/2 तक अभी बना yes, बताए थे और f' x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो फॉर 3/2 से इनफिनिटी. दोनों नेचर है बोथ नेचर. आ गया बात समझ में. अब क्लियर है ना क्वेश्चन से कोई दिक्कत. अच्छा एक और प्रॉब्लम देख लो. अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 4x प्लस बी साइन एक्स है ना. ओके या सिंपली चलो इसी का बताओ. फंक्शन इज 1 1 और मेनी वन बताओ तो. बनेगा यस सर. देखो सॉल्यूशन में क्या देखेंगे f' x 3x² नहीं 3x² प्लस क्या हो जाएगा 6x प्लस 4 तो क्या करेंगे. अगर इसका देखो अब इसको जीरो करेंगे तो जीरो हो रहा है क्या. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. सो थ्री अब देखो अगर सोच रहे हो कि f' x को हम लोग जीरो के इक्वल किए 3x² प्लस 6x अब प्लस क्या हो जाएगा 4 कोई दिक्कत नहीं ना. अब इसका रूट से देखेंगे जीरो के इक्वल कर रहे हैं तो क्या होगा d इज इक्वल टू देख रहे हैं 6² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 ये 36 माइनस कितना आ रहा है जी ये निगेटिव आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा इमेजिनरी रूट्स यस और नो. इट मींस अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो हमेशा क्या होगा कि बताए थे कि f' यहाँ पे अगर इस वाले वैल्यू देखोगे तो हमेशा ग्राफ जाएगा इस तरह से यस और नो क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है ना. सिर्फ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ग्राफ बनाओगे तो हमेशा क्या होगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा बताया ना पहले. इट मीन्स f' x का जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो है तो ये क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन. नहीं ये भी कॉन्सेप्ट यूज होगा. आई बात समझ में. हेलो yes, कोई दिक्कत तो किसी को. फिर इक्वल टू जीरो इसमें फिर लाइन वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा ग्राफ वाला जो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करता है दो पॉइंट पे. तो इसका ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल है ना. यहाँ देखो बना लोगे ग्राफ थोड़ा मुश्किल है ना. f' x फाइंड करना पड़ेगा देखना पड़ेगा. अगर एक क्वेश्चन रहा f(x) = (2x - 2x) + sin x रहा अब इसके बारे में पूछेगा कि 1 1 है और on 2 है तो क्या करेंगे f(x) फाइंड करेंगे 2 - sin x तो अब देखेंगे 2 - sin x क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होगा जी यस और नो. क्योंकि देखो साइन एक्स का जो वैल्यू होता है वो किसके बीच में होता है -1 से 1 के बीच में होता है yes. आई बात समझ में. अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 < -sin x > यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यस और नो. माइनस से अब एडिंग 2
सर तो फिर इसमें on to function के साथ include किए हैं on to many one देखो sorry many one ओके सो देखो यहाँ पे क्या जाएगा वन लेस देन इक्वल टू टू माइनस साइन एक्स लेस देन इक्वल टू ये क्या जाएगा थ्री तो देखो इसका वैल्यू टू माइनस साइन एक्स का जो वैल्यू आ रहा है हमेशा पॉजिटिव आ रहा है ना तो इट मीन्स क्या हो जाएगा वन वन फंक्शन हो जाएगा नहीं समझ में आया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फिर साइन एक्स ही कैसे आ गया ओके सॉरी यह मिस्टेक हुआ है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आएगा ना प्लस होगा हाँ हाँ ठीक है ओके ओके नहीं नहीं मेरे ध्यान में कॉस एक्स था ठीक है मिस्टेक किया हूँ तो ये ध्यान दे उसी तरह से यहाँ भी वैसे ही कर लेना कोई दिक्कत नहीं ना ध्यान दे तो कॉस एक्स का यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वन से कहाँ तक जाएगा जी वन तक जाएगा टू ऐड कर लो तो वन लेस देन टू प्लस कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू टू कोई दिक्कत किसी को तो हमेशा देखो पॉजिटिव ही है ना तो वन वन फंक्शन हो जाएगा ठीक है हेलो आप yes. देखो मेनी वन फंक्शन जो दोनों नेचर साइमल्टेनियसली रिपीट करे ठीक है अब ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन देख लेते हैं हेलो yes. अब देखो ऑन टू एंड इन टू फंक्शन देखो इसमें क्या करना है बहुत सिंपल है हम लोग क्या करेंगे रेंज फाइंड करेंगे रेंज ऑफ एफ एक्स या कोई भी फंक्शन का इज इक्वल टू कोडोमेन अगर ये इक्वल होता है तब क्या हो जाएगा बताओ ऑन टू फंक्शन अदरवाइज इन टू फंक्शन क्लियर हो गया ना एक बार एरो डायग्राम मतलब इसका बताइए इसमें जैसे एरो डायग्राम से करोगे तो वन टू थ्री फोर ले लिए ए बी सी ले लिए तो वन का ये टू का बी थ्री का बी फोर का ए मान लो कोई दिक्कत नहीं ना देखो सारा इसमें देखो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गया ना रेंज क्या है ए बी सी कोडोमेन क्या है ए बी सी आई बात समझ में अगर इस तरह से आ गया तो ये कौन सा फंक्शन हुआ ऑन टू वन टू थ्री फोर ए बी सी तो देखो रेंज ए बी कोडोमेन ए बी सी तो ये दोनों क्या है ऊपर में रेंज सर ऊपर में ए बी सी कैसे रेंज हो गया ये सी से है कनेक्टेड एरो ठीक से नहीं तरह से ओके ठीक है अब क्लियर है ना हेलो क्लियर है ना इसमें देखो दोनों इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा इनटू फंक्शन आई बात समझ में यस यस तो हम लोग क्या करेंगे इनटू एंड ऑन टू में अगर डिफरेंशिएट करना है तो हमेशा रेंज फाइंड करना है हमेशा रेंज फाइंड करना है ठीक है फाइंड रेंज देन हम लोग देखेंगे कि क्या है जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और यहाँ पे f डिफाइंड कर दिया गया है किससे r टू माइनस वन बाई फोर टू इंफिनिटी है ना तो ध्यान देना हेलो यस अब बताओ यहाँ कोडोमेन लिख लेंगे पहले कोडोमेन क्या है जी माइनस वन बाई फोर से इंफिनिटी है ना
अब रेंज ऑफ एफ एक्स फाइंड करेंगे, राइट? सो रेंज ऑफ एफ एक्स फाइंड करेंगे तो इसका क्या बताएं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इट मींस माइनस डी बाई फोर से कहां जाएगा जी, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका फाइंड करोगे तो ये बेसिकली आ जाएगा माइनस वन बाई फोर से इन्फिनिटी ही आएगा, दोनों देखो इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। नहीं समझ में आया ऐसे। अब मेनी वन और वन वन चेक करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ये फाइनली जो आएगा वो मेनी वन ऑन टू फंक्शन आएगा। क्लियर है ना? Yes. क्योंकि ये मेनी वन फंक्शन है ना आर में, क्योंकि आर है, है ना? ये सो नो, क्लियर है ना? क्लियर है या नहीं, ये प्रॉब्लम है? यस सर, यस सर, क्लियर। जैसे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, और ये डिफाइंड कर दिया गया है एफ आर टू आर। तो देखो यहाँ पे इसका रेंज क्या होता है जी, बोलो, रेंज जीरो से कुछ भी वैल्यू रखोगे, मिनिमम जीरो पे जीरो देगा, पॉजिटिव होता है ना और जीरो होता है। Yes, sir. तो yes, sir. कुछ भी रखोगे जीरो पे जीरो देगा, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव देगा, तो रेंज हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी, और कोडोमेन क्या दिया हुआ है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। कौन सा फंक्शन हो गया, दोनों इक्वल नहीं है, तो इन टू फंक्शन। नहीं समझ में आया, क्लियर है? क्लियर yes, है ना? Yes. अब देखो, अब सपोज वन वन हो गया, वन वन इनटू फंक्शन अगर इस तरह से आया, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो फर्स्ट में, सेकंड क्या हो जाएगा, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। नहीं समझ में आया, अगर इस तरह से नहीं मिलेगा तो, और ये ए में, इसमें सर दोनों का कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ दोनों का कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, आई बात समझ में? ये ए हो गया और बी में, वन वन ऑन टू फंक्शन। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फर्स्ट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, सेकंड क्या होगा जी, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू सर ऊपर वाले में भी इक्वल टू सर। अच्छा यहाँ नॉट इक्वल टू, ठीक है, इन टू में नॉट इक्वल टू। नहीं समझ में आया, क्लियर है ना? अदरवाइज क्या हो जाएगा, yes. अगर वन वन नहीं है तो मेनी वन होगा, मेनी वन इन टू मेनी वन ऑन टू। नहीं समझ में आया, अगर यहाँ पे ये बोथ है, यहाँ ध्यान रखना बोथ, और ये भी करेगा तो यहां से ये क्या हो जाएगा, मेनी वन, मेनी वन ऑन टू, सॉरी इन टू। क्लियर है ना? बेसिकली मतलब दोनों का कंडीशन को अप्लाई करके चेक करना है। हाँ ठीक है, यहाँ पे बोथ है और ये कंडीशन अप्लाई कर रहा है तो क्या बोलेंगे, मेनी वन टू फंक्शन। इसमें भी वैसे ही बोलेंगे कि ये दोनों है और रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है, तो मेनी वन ऑन टू फंक्शन, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो एग्जांपल भी बता दूं? यस, जैसे देखो F R to R defined है ना, F x is equal to x cube है, okay? अब देखो चेक करना है इसका ग्राफ, तो इजीली से कर सकते हो, अगर यहाँ पे रेंज फाइंड करोगे, रेंज x cube का क्या हो जाएगा, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी आएगा रेंज, देखो ना माइनस इनफिनिटी पे माइनस इनफिनिटी, प्लस इनफिनिटी पे इनफिनिटी, सारे वैल्यू देंगे। yes, कोडोमेन आर है, तो ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये बता दिए कि ये ऑन टू फंक्शन हो गया, है ना? आप देखेंगे वन वन फंक्शन के लिए, सो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब,
सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा 3x2। तो ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा और जीरो आ जाएगा। ये सुनो, आएगा ना, सिर्फ जीरो पे जीरो आएगा, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव बाकी पे पॉजिटिव आएगा। तो इट मींस क्या हो जाएगा, ये वन वन फंक्शन, हाँ वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन भी ऑन टू फंक्शन भी, तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा फाइनली, ऑन टू वन वन, हाँ वन वन ऑन टू, इसी को क्या बोलेंगे बाइजेक्टिव, बताए थे ना, इसी के लिए इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम इसमें समझने में, नहीं ना, बोलो। ओके, तो अब क्या करना है, यहीं तक रहने देते हैं। अब वहां पे बुकलेट में होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए, ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, ठीक है, एक बार इतना रिवीजन कर। समझ में आया या थोड़ा प्रॉब्लम हुआ समझने में, बोलो। आज तो समझ में आ रहा था, ठीक। तो क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये होमवर्क ये लिख करके पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, ट्राई करना बनाने का, और एक बार रिवाइज कर लेना टोटल क्या चीज बताया हूँ वो, ठीक है। ओके चलो, तो रखो नेक्स्ट एक तो क्लास में चैप्टर को डेट लिख दीजिएगा क्या, हाँ पीडीएफ भेज दूंगा आज भेज दूंगा। नेक्स्ट एक तो क्लास में चैप्टर को भी, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। हेलो, यस सर, हाँ नेक्स्ट क्लास में फिनिश्ड हो जाएगा ये फंक्शन, टेंशन मत लो, ठीक है। थैंक यू सर। ओके चलो, ओके बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर।